दोस्तों, टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए कीबोर्ड की सेंटर वाली लाइन पर उंगलियों को किस तरह से रखा जाए और उस पर से ऊपर वाली लाइन पर उंगलियों को किस तरह से मूव किया जाए, इन सभी बातों को हम हमारे पिछले वीडियोस में जान चुके हैं, जिनकी लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के हमारे इस वीडियो में हम बीच वाली लाइन से नीचे वाली लाइन पर हमारी उंगलियों को किस तरह से लेकर आएंगे, किस तरह से उनका मूवमेंट होगा, इस चीज को सीखेंगे। तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, ताकि कोई भी स्टेप आपकी छूट न जाए। दोस्तों, आखिरकार कौन स्पीड में टाइपिंग करना नहीं चाहता? तो टाइपिंग करने के लिए हमारी उंगलियों की पोजीशन कैसे होना चाहिए, उनका मूवमेंट कैसे होना चाहिए, तो इसके लिए हम हमारे इस सीरीज के पिछले दो वीडियो में हमारी होम रो और अपर रो को अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोअर रो को समझेंगे कि लोअर रो पर हमारी उंगलियों की पोजीशन किस तरह से रहेगी और उनका मूवमेंट किस तरह से होगा। तो हम जानते हैं कि हम जब भी टाइप करते हैं तो हमारी उंगलियों की पोजीशन हमेशा हमारी होम रो पर होती है। तो हमारी होम रो में हमारा लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर एफ पर होती है और एफ से लेकर वह लेफ्ट की साइड में बाकी चारों हमारी फिंगर होती है, और ऐसे हमारा राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर जो होती है वह जे पर होती है और जे से लेकर राइट की तरफ हमारी चारों फिंगर्स होती है। ये हमारी फिंगर्स को होम रो पर रखने की हमारी पोजीशन होती है। अब हम हमारे इस वीडियो में ये जानेंगे कि होम रो पर से हमारी उंगलियां हमारे लोअर रो पर किस तरह से मूव करेगी और किस तरह से हमें उसकी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड को यदि हम देखते हैं तो जो फिंगर हमारे यहाँ पर एफ पर होती है वो हमारे नीचे आने पर वी पर जाएगी। ऐसे हमारी सेकेंड वाली जो फिंगर है जो डी पर है वो यहाँ पर सी पर आएगी। ऐसे हमारी एस एक्स पर, और ए पर जो हमारी फिंगर है वो यहाँ पर जेड पर आएगी। तो जेड एक्स सी और वी, इन चारों को हमारी ये चारों फिंगर यहाँ पर कवर करेगी। लेकिन हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि हमारी यहाँ पर जो एफ पर फिंगर होती है वह हमारी होम रो पर एफ के साथ जी को भी कवर करती है और अपर रो पर आर के साथ टी को कवर करती है। तो वैसे ही हमारे लोअर रो में वह वी के साथ बी को भी कवर करेगी। ठीक वैसे ही हम यदि राइट हैंड पर देखें तो यहाँ पर राइट हैंड पर हमारी जो जे पर जो फिंगर है वो नीचे आने पर एम पर आएगी, के वाली हमारी जो होगी वो कोमा पर, डैश पर और स्लैश पर, ये चारों उंगलियां हमारी नीचे होंगी। लेकिन जैसे जे वाली उंगली होम रो पर यहां से जे और एच को कवर कर रही थी, अपर रो पर यू और वाई को कवर कर रही थी, ठीक ऐसे ही हमारे लोअर रो पर हमारी यही उंगली दो को कवर करेगी और वह दो होंगे एम और एन। तो हमारी ये वाली उंगली नीचे जाने पर एम पर जाएगी, लेकिन हम इसको एक आगे बढ़ाएंगे तो ये एन को भी इसके साथ में कवर करेगी। जैसे यहाँ पर ये वी और बी को करेगी, ऐसे यहाँ पर ये एम और एन को करेगी। जैसे हमने यहाँ पर हमारी ऊपर वाली दोनों रो की प्रैक्टिस की है, ठीक वैसे हम यहाँ पर इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड पर हमारी सबसे फर्स्ट वाली जो फिंगर है वह यहाँ पर वी और बी को कवर करेगी, सेकेंड वाली सी पर आएगी, इसके बाद एक्स पर, इसके बाद जेड पर। तो हम यहाँ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बी वी सी एक्स जेड, बी वी सी एक्स जेड। तो हम इसकी लगातार बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर रेंडमली किसी भी लेटर को यहाँ पर सोचेंगे और हमारी वही उंगली इसको प्रेस करना चाहिए। जब हमारी यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर हमारे राइट हैंड को लेंगे। तो राइट हैंड के लिए हमारी जो फिंगर जे पर है वो यहाँ पर एन और एम दोनों को कवर करेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर कोमा, डैश और यहाँ पर स्लैश। तो यहाँ पर हम इसी क्रम में इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और जब हमारी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से हो जाएगी तब हम यहाँ पर फिर दोनों हाथों को एक साथ रखेंगे। तो दोनों हाथों को एक साथ रखकर इसके बाद फिर हम यहाँ पर हमारे होम रो से इन चारों उंगलियों को जब नीचे लेकर आएंगे तो हमारी पूरी लोअर रो यहाँ पर कवर होगी। तो यहाँ पर हम इन चारों उंगलियों को नीचे लाकर और इस पूरी लाइन की प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से करेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर रेंडमली इस लाइन में से किसी भी लेटर को यहाँ पर सोचेंगे और हमारी वही उंगली अगर उसको जाकर प्रेस कर देती है तो इसका मतलब हमारी उंगलियों की प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर होम रो, अपर रो और लोअर रो तीनों की प्रैक्टिस जब अच्छे से हो जाएगी तो फिर हमारे पास यहाँ पर कोई भी लेटर बाकी नहीं बचेगा। हमारे इंग्लिश के जो 26 लेटर हैं वो टोटल यहाँ पर हमारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमें बिना कीबोर्ड पर देखे हुए और किसी भी मैटर को उठाकर और केवल स्क्रीन की तरफ देखकर वो टाइप करना होगा। और जब हम बिना देखे टाइप करेंगे तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में हम बहुत ही कम स्पीड में टाइप करेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपने धैर्य को बनाए रखना होगा और हम किसी भी कंडीशन में हमारे कीबोर्ड पर नहीं देखेंगे।
चाहे हम कितने ही स्लो टाइप क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे कुछ दिनों में ही आपकी उंगलियों को कीबोर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप बिना कीबोर्ड को देखे केवल अपनी स्क्रीन की तरफ देखकर बहुत ही फास्ट स्पीड में टाइप कर पाएंगे। दोस्तों, अब तो आप कीबोर्ड की तीनों लाइनों पर अपनी उंगलियों को कैसे रखा जाए, कैसे उनका मूवमेंट हो और किस तरह से अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाया जाए, ये अच्छे से जान चुके होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे और भी आने वाले ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।